तो आज हम लोग को देखना है वीवी डॉट नेट में। मैंने प्रीवियस क्लास में फंक्शन बता दिया था, फंक्शन और सब रूटीन। आज हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट। ठीक है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, फाइल। प्रोजेक्ट मच्छर बहुत है। चलिए, हाँ तो ध्यान दो। हेलो। हाँ बोलो भैया। तो अब हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल था हम लोग का pv.net, कंसोल। ये वाला प्रोजेक्ट बनाए थे, कंसोल प्रोग्राम। आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सब रूटीन बनाते हैं। कोई भी एक प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा मेन सब रूटीन है, यानी मेन फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक फंक्शन बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं लिख देता हूँ राइट ए प्रोग्राम इन वीवी डॉट नेट। To input any number after that check number is a strong or not. ठीक है, using subroutine। यूजिंग सब रूटीन, ठीक है, सब रूटीन के थ्रू इसको बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक सब रूटीन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब चेक स्ट्रॉन्ग देख रहे हो। मैंने बताया था कि सब रूटीन बनाने के लिए सब कीवर्ड यूज करते हैं। एक ही अभी फंक्शन हम बना रहे हैं, आप मोर देन वन फंक्शन आप बना सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हो कि स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, कौन क्या होता है स्ट्रॉन्ग, कोई बता सकते हैं क्या? 145 स्ट्रॉन्ग नंबर है, कैसे? वन का फैक्टोरियल, वेरी हर एक नंबर का फैक्टोरियल उसके बाद उसका सम। गुड। वन का फैक्टोरियल, फोर का फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, फाइव का फैक्टोरियल, ये अगर सभी का सम आपका क्या आ जाए, वही नंबर के बराबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। तो लॉजिक तो वही होगा, इस नंबर से सबसे पहले डिजिट को क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा, रिट्रीव करना होगा, और उस डिजिट का क्या करना होगा, फैक्टोरियल, यानी नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करोगे। वेरिएबल डिम, एन में हम नंबर इनपुट कर लिए, आई होगा लूप चलाने के लिए, एक डिजिट निकालने के लिए मैंने डी ले लिया, राइट। सम करना है, सम इक्वल टू क्या कर लिया, सम परसेंट, ठीक है। आगे अगर जरूरत होगा तो आगे मैं और वेरिएबल लूंगा, एन में तुम नंबर इनपुट ले लो, एन इक्वल टू वैल, ठीक है। इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर में एक पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं, नेम स्पेस इंपोर्ट्स सिस्टम, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा कंसोल डॉट क्या, राइट लाइन, रीड लाइन, सॉरी रीड लाइन, इनपुट लेना था, हम लोग इनपुट ले चुके, ठीक है। अब इनपुट लेने के बाद उस नंबर से डिजिट निकालिए, तो व्हाइल व्हाइल में कंडीशन हम यहां पर देते हैं, एन ग्रेटर देन 0, राइट। सबसे पहले डिजिट निकाल लेंगे, डिजिट के लिए क्या लिखें, कोई बताएं, डिजिट निकालने के लिए यहाँ क्या लिखें, डीमोड किसी भी नंबर से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बोलो, किसी भी नंबर से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं, 10 से। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है, लास्ट डिजिट। डिजिट निकल चुका, अब क्या करोगे तुम, इस डिजिट का फैक्टोरियल निकाल लो, तो फैक्टोरियल निकालोगे तो आई इक्वल टू क्या कर देंगे, वन, कहाँ तक चलेगा, डिजिट तक, मल्टीप्लाई करोगे ना, एक तुमको फैक्ट लेना होगा, फैक्ट, राइट। और व्हाइल लूप में हम फैक्ट को वन से इनिशियलाइज कर लेते हैं, फैक्ट इक्वल टू वन, तो तुमको मालूम है फैक्ट इक्वल टू, ये सब प्रोग्राम समझाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, और फोर का क्लोजिंग हम लोग नेक्स्ट से कर देते हैं, नेक्स्ट है ही क्लोजिंग, ठीक है। और इस फोर लूप से टर्मिनेट होंगे तो उस डिजिट का फैक्टोरियल निकल जाएगा, अब उस फैक्ट को किसमें सम करना है, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट, राइट। और स्टार्टिंग में भी सम का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, हर बार नहीं, बाहर लूप के पहले होना चाहिए, सम इक्वल टू 0 कर दिया, क्लियर, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट।
अब क्या करना होगा, n इक्वल टू n by 10, इंटीजर डिवीजन मैंने यूज कर दिया। अब लूप के बाहर, आउटर लूप के बाहर क्या कंडीशन देंगे, इफ अगर सम किसके बराबर बोला जाए, सम किसके बराबर, n के बराबर। ध्यान दीजिएगा, अगर सही है या गलत आप लोग सोच कर बताइए, क्या हम सम को n से कंपेयर कर सकते हैं। इनपुटेड वैल्यू हमारा किस में था, n में। तो सम निकालने के बाद आप जानते हो कि अगर इनपुटेड वैल्यू से सम मैच कर जाएगा तो प्रिंट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग नंबर। कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने मैसेज दे दिया स्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर, स्ट्रॉन्ग नंबर, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, एल्स कंट्रोल वी, नॉट स्ट्रॉन्ग। बोलिए तो क्या ये सही है, इफ में जो मैंने कंपेयर कराया है, कोई भी बोलिए, सम इक्वल टू एन, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, कंडीशन। बताइए, सम तो सारे डिजिट का फैक्टोरियल सम में आ गया, क्या सम को एन से हम कंपेयर करा सकते हैं, होगा कंपेयर। नो सर। क्यों, क्योंकि सर एन को हम लोग रिड्यूस करते जा रहे हैं ना। वेरी गुड, एन के वैल्यू चेंज होते जा रहा है, और एन करंट में जब आप व्हाइल लूप से टर्मिनेट करेंगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, लूप से बाहर जब टर्मिनेट करेंगे तो एन से कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोग को लेना होगा, नम, नम परसेंट, और इनपुट लेने के बाद, ठीक है, हम नम में किसके वैल्यू को असाइन कर लेंगे, एन के वैल्यू को असाइन कर लेंगे, और अब यहां पर क्या लिखेंगे, नम, राइट। ठीक है, अब ये प्रोग्राम सही है, फंक्शन हमारा रेडी है। ठीक है, तो फंक्शन तो बन गया, मैं कमेंट लाइन में लिख दिया क्रिएटिंग सब रूटीन, क्रिएटिंग सब रूटीन। अब इसको कॉल करने के लिए मैंने बोला था कॉल कीवर्ड यूज करते हैं, कॉल, उसके बाद सब रूटीन का नाम दे दीजिए चेक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया कॉलिंग, कॉलिंग सब रूटीन, हो गया। अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट, अच्छा मैसेज नहीं क्या दिए थे, इंटर एनी नंबर, मैसेज नहीं दिए थे, मैसेज नहीं दिए थे, तो मैंने यहाँ पे इंटर किया 145, आना चाहिए स्ट्रॉन्ग नंबर है 145, नॉट स्ट्रॉन्ग। देखो कहाँ पे गलती है, और ये विजुअल स्टूडियो 12 है तो इसलिए कंसोल होल्ड नहीं करेगा, तो लास्ट में हम रीड की लगा दिए, रीड की यहाँ पे यूज कर दो। ठीक है, कंसोल डॉट रीड की, जो आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा, कंसोल डॉट रीड की। ठीक है,
और ये चीज यहाँ पे d इक्वल टू d मोड 10 हो गया है, हमारा वैल्यू n में था n मोड 10। अब इसको आप रन कराओ, ठीक है। मैंने इंटर किया 145, आ गया स्ट्रॉन्ग नंबर है। 145 क्या है? स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब जैसे ही तुम इसको रन कराओगे, कोई दूसरा नंबर डालो, ठीक है, 123 डाल दिए, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपने देखा सब रूटीन कैसे हम लोग बनाते हैं वीवी डॉट नेट में। इसका ये ले लो, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप जानते हो कि हमारे प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन हो सकता है, मोर देन वन सब रूटीन हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग को ग्लोबल वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, ठीक है। और तुम जानते हो कि फंक्शन सब रूटीन में हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन, पैरामीटराइज सब रूटीन आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक आइए एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। दो तीन फंक्शन रखते हैं, एक एलसीएम निकालने का, एक एससीएफ निकालने का, ठीक है। दो नंबर में हम लोग एलसीएम और एससीएफ निकालते हैं। दो नंबर में निकाल सकते हो, तीन नंबर में निकाल सकते हो, चार नंबर में निकाल सकते हो, ठीक है। जितने नंबर में आप एलसीएम निकालना चाहते हैं, एससीएफ निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हो, राइट। तो हम लोग अभी फिलहाल दो नंबर या तीन नंबर में निकालते हैं, तीन नंबर में ही निकालते हैं। तो अब यहाँ पे ये तो सब रूटीन है, इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन इसी में हम लोग बना लेते हैं। किसी भी मॉड्यूल में मोर देन वन सब रूटीन, मोर देन वन फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बना रहा हूँ और ग्लोबल वेरिएबल भी मुझे डिक्लेयर करना है मुझे। तो ग्लोबल वेरिएबल या फिर अभी हम पैरामीटराइज बना देते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है, फाइंड एलसीएम एससीएफ, अलग अलग फंक्शन बनाते थे हैं, फाइंड एससीएफ। मैंने बोला था कि दो तरह का पैरामीटर पास कर सकते हो, आप सी सी प्लस प्लस से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। अभी हम लोग कॉल बाय वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू में तुम जानते हो कि एक्चुअल वैल्यू होता है, वहां पे एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर का भी वैल्यू चेंज हो जाता है। तो फंक्शन फाइंड एससीएफ, मैंने पैरामीटर पास करने के लिए आपको बताया था बाई वैल कीवर्ड, बाई वैल ए एज इंटीजर, राइट। तीन पैरामीटर हम पास करते हैं, जो भी तीन पैरामीटर का जो वैल्यू सप्लाई करोगे उसका एससीएफ कैलकुलेट कर देगा। बाई वैल बी एच इंटीजर, राइट, बाई वैल सी एज इंटीजर, इसको आप यहां हम लोग यहां लिखेंगे, कंट्रोल एक्स कर दिया, ये इन डिप सब रूटीन कहां पे था, इस सब रूटीन का क्लोजिंग था यहां पे, कंट्रोल भी एंड सब, चलिए। और तुम जानते हो कि फंक्शन एनी हाउ वैल्यू रिटर्न करता है वीवी डॉट नेट में। मैंने एज यहाँ पे क्या दे दिया, इंटीजर, ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट, ठीक है। तो फंक्शन फाइंड एससीएफ नाम का एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, जिसमें तीन पैरामीटर पास किया, और ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। चलो
पहले आप यहाँ पे लॉजिक देखो, मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ ये सब आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, ये सब मुझे नहीं लगता है कि फिफ्थ सेमेस्टर में बताने की जरूरत है। फिर भी एस सी एफ मान लो कि तीन वैल्यू में तुम एस सी एफ निकाल रहे हो, ध्यान देना, ए है, बी है और सी है, ठीक है। एस सी एफ में दो केस होगा, मान लो कि मैंने यहां पर क्या लिखा, एक वैल्यू 10 लिखा, एक वैल्यू 20 और एक वैल्यू 30, ठीक है, राइट। एक मैंने यहां पर 8 लिखा है, एक मैंने 12 लिखा है और एक मैंने 16 लिखा है। तो आप देख रहे हो, कोई अगर पूछे कि 10, 20, 30 में एस सी एफ क्या होगा, 10, 20, 30 का एस सी एफ क्या होगा, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 10 होगा, राइट। एस सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर आपको बोलना है, ठीक है, जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर तुम बोलो जो ये तीनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, 10 को भी डिवाइड कर दे, 20 को भी डिवाइड कर दे, 30 को भी डिवाइड कर दो। तो 10 ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो ये तीनों को डिवाइड कर देगा। छोटा तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, 2 से भी हो जाएगा, राइट, 5 से भी हो जाएगा, लेकिन हाईएस्ट एक 10 ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो ये तीनों को डिवाइड कर देगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कर लीजिएगा, इसमें क्या है आपको, ठीक है, एक केस, तो इसमें क्या होगा कि तीनों नंबर में तुम सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकाल लो, तीनों नंबर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकाल लो। तो 10, 20, 30 में स्मॉलेस्ट क्या है, 10 है, और देखेंगे कि 10 से अगर ये तीनों डिवाइड हो गया तो एस सी एफ हो जाएगा, राइट। अगर जो स्मॉलेस्ट नंबर तीनों में जो तुम स्मॉलेस्ट निकाले हो, अगर उस स्मॉलेस्ट नंबर से अगर तीनों ये डिवाइड नहीं हुआ, तब हम स्मॉलेस्ट नंबर जो निकाले हो उसको 1 से डिक्रीज करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 10, ठीक है, तो 10 से डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 9, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तीनों को। अगर 9 से तीनों डिवाइड हो गया तो वहीं पे 9 हमारा क्या हो जाएगा, एस सी एफ, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस देखो तो ये सेकेंड केस 8, 12, 16, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 8, 12, 16 में स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, क्या 8 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक एक से डिक्रीज करेंगे, कब तक डिक्रीज करेंगे हम, जब तक तीनों डिवाइड ना हो जाए, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4, 4 जब डिक्रीज होगा तो 4 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो वहीं से हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और 4 हमारा क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा, राइट। तो इसका एस सी एफ हो जाएगा, इसका एस सी एफ आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसी को तुमको प्रोग्राम में यहाँ पे लिख देना है, आइए मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या बोला कि तीनों नंबर से पहले स्मॉलेस्ट निकाल लो, तो अब सबसे पहले तीनों में हम लोग स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं, एक मुझे वेरिएबल का जरूरत है यहाँ पे, डिम, एस सी एफ नाम का ही वेरिएबल ले लिए, एस सी एफ परसेंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट निकाल लो, इफ ए लेस देन बी लॉजिकल एंड, ए लेस देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ए इज द स्मॉलेस्ट, एस सी एफ में क्या चला जाएगा, ए का वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। एल सीफ में फिर कंफ्यूजन किस में रहेगा, बी ग्रेटर देन सी, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो एस सी एफ इक्वल टू बी, एल्स एस सी एफ इक्वल टू सी,
राइट, स्मॉलेस्ट तो हम निकाल लिए, स्मॉलेस्ट हमारा निकल चुका है। अब इसके बाद आपको देखना है कि क्या वो स्मॉलेस्ट नंबर तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया। अगर तीनों को डिवाइड कर दिया तो वहीं पे वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो एक एक से क्या होते रहेगा, डिक्रीज। बहुत ही सिंपल लॉजिक। तो देखिए अब मैं व्हाइल लूप यूज कर लेता हूं, व्हाइल, ठीक है। और यहां पे कंडीशन, एचसीएफ में तुम स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाले हो, अब एबीसी को ही डिवाइड करना है। एचसीएफ से किसको डिवाइड करना है, एबीसी से। तो देखो व्हाइल में मैं क्या कंडीशन लिख रहा हूं, ए मोड एचसीएफ नॉट इक्वल टू जीरो हम यहां पर देंगे। कब लूप चलना चाहिए, जब डिवाइड नहीं होगा। जब तीनों डिवाइड हो जाएगा तब तो हम उसी समय लूप से बाहर हो जाएंगे, वही एचसीएफ हो जाएगा। जब नहीं डिवाइड होगा तब ना वैल्यू 11 से डिक्रीज होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखे व्हाइल ए मोड एचसीएफ नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। लॉजिकल और तीनों में से कोई भी, ठीक है। बी मोड एचसीएफ, एचसीएफ नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। फिर लॉजिकल और सी मोड एचसीएफ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तीन कंडीशन मैंने लॉजिकल और के द्वारा कंबाइन कर दिया। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, तब तो वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। और जब तीनों कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर। अगर तीनों डिवाइड हो गया, तीनों अगर डिवाइड हो गया तब उसको डिक्रीज करने की क्या जरूरत है। आइए तो यहां पर आप, इसमें तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता है बेबी डॉट नेट में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ माइनस 1, राइट। और व्हाइल से बाहर रिटर्न कीवर्ड यूज कर दोगे, रिटर्न एचसीएफ। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। फर्स्ट केस देखो 10 20 30 है। 10 20 30 के केस में तुम देख रहे हो यहां पर कि जब स्मॉलेस्ट निकालोगे तो 10 20 30 में एचसीएफ वेरिएबल में, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 10। अब यहां कंडीशन चेक होगा, जरा कंडीशन चेक करो, ठीक है। ये है तुम्हारा 10 और एचसीएफ का वैल्यू यहां पर जो स्मॉलेस्ट निकाले हो 10 है। 10 से 10 डिवाइड हो गया और साइन है नॉट इक्वल का, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। यहां पर भी देखो, सेकेंड वाले कंडीशन को देखो, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। एचसीएफ का वैल्यू तुम्हारा 10 है, जो स्मॉलेस्ट नंबर निकाले हो बी का वैल्यू 20 है, ये भी डिवाइड हो गया और साइन है नॉट इक्वल का, और ये भी डिवाइड हो गया, यानी तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या हम लूप के अंदर आएंगे, नहीं आएंगे। वही एचसीएफ का वैल्यू तुम्हारा 10 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो गया। दूसरा केस, अगर ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू 16 है, तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, 8। अब चेक करना है क्या 8 हमारा तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। आइए चेक करते हैं, एचसीएफ स्मॉलेस्ट नंबर 8 निकाले हो, ठीक है। चलो 8 को यहां पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तुम्हारा, तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर ध्यान दो, 8 फर्स्ट कंडीशन तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू, नहीं फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सॉरी। 8 से 8 डिवाइड हो गया ना, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया। हो सकता है कि दूसरा कंडीशन ट्रू हो जाए, तो बी का वैल्यू क्या है 12 और एचसीएफ का वैल्यू क्या है 8, 8 से 12 डिवाइड होगा, नहीं, तो दूसरा कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हो गया। क्या आगे का कंडीशन चेक होगा, नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट। लॉजिकल और में जहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया उसके आगे का कंडीशन फिर चेक
ठीक जब ट्रू हो गया उसके आगे का फिर कंडीशन चेक नहीं होगा, तो सेकेंड कंडीशन ट्रू तो व्हाइल का वर्ड ही एग्जीक्यूट करेगा, एससीएफ घटेगा वन से, एट के बाद क्या होगा सेवन, फिर सेवन से तीनों को डिवाइड करके देखो, फिर सिक्स से देखो, यानी इन डिक्रीज करते करते तुम्हारा वैल्यू जब एससीएफ का फोर होगा तो फोर से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा, तो उसी समय हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे एससीएफ। अब इसको कॉल कर लो, अब आप इसको कॉल कर लीजिए, और आप जानते हैं फंक्शन को दो तरह से कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आउटपुट फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं या एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आउटपुट फंक्शन में ही कॉल कर लेता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन में यहां पे एक मैसेज दे दिया मैंने एससीएफ, एससीएफ इक्वल टू, ठीक है, एससीएफ इक्वल टू कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर दे दिया, और यहां पर फंक्शन का नाम है आपका फाइंड एससीएफ। फंक्शन को कॉल करते समय कॉल कीवर्ड यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, राइट। अब तीनों वैल्यू सप्लाई कर दो, पहले सप्लाई करो 10 तीनों पैरामीटर का वैल्यू 20, 30। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूं, सब रूटीन को अब मैं यहां पे क्या करता हूं, कमेंट सेक्शन, सब रूटीन को अब कॉल नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन। अब आइए अब इसको रन करा के देखो, 10, 20, 30 का एससीएफ क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, देख लो एससीएफ इक्वल टू क्या आया 10। अब जरा सेकेंड केस वाला देख लो, 8, 12, 16। अब यहां सप्लाई करो 8, 12, 16, 8, 12 और 16, राइट, ठीक है, रन कराओ, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, देखो 4 आया, एस सी एफ इक्वल टू क्या 4, क्लियर। अब एलसीएम में तुमको जस्ट ऑपोजिट करना है, इसी तरह से एससीएफ होगा, जिस तरह से आपने एससीएफ का प्रोग्राम बनाया उसी तरह से तुम एलसीएम का प्रोग्राम बनाओगे। देखो तो एलसीएम में क्या करोगे बताओ, तो 10, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बोलो 10, 20, 30 कितना 60, राइट, ठीक है। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आपको बोलना है जो उस स्मॉलेस्ट नंबर को तीनों डिवाइड कर दे, 10 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो तीनों को ये डिवाइड, वो वैसा स्मॉलेस्ट नंबर बोलना है जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए, तो 60, राइट। तो एक केस हम लोग ऐसा लेते हैं, दो केस इसमें भी होगा, तीनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो किसी सिचुएशन में एलसीएम हो सकता है, ठीक है, तीन जो नंबर में तुमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, वो किसी सिचुएशन में जो तीनों में ग्रेटेस्ट होगा वो एलसीएम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस 16 को अब हटा दिया, 16 को हटाकर मैंने यहाँ पर यहां पर लिख दिया 24, 8, 12, 24 में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 24 है, तो 24 यहां पर एलसीएम हो सकता है, क्योंकि 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 24 से भी डिवाइड होगा, राइट, ठीक है। 10, 20, 30 दूसरा केस में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 30, अगर ग्रेटेस्ट नंबर 30 नहीं एलसीएम हुआ तो क्लियर है कि 30 से ग्रेटर होगा, तो ये कब तक वैल्यू को इंक्रीज कराते रहेंगे, कब तक वैल्यू को इंक्रीज कराते रहेंगे, 1-1 से इंक्रीज कराते रहेंगे जब तक ये इससे तीनों से ये डिवाइड ना हो जाए, तो
तो इंक्रीज करते 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 आपका क्या होगा 60, ठीक है। तो 60 जैसे ही आएगा 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 60 क्या हो जाएगा एलसीएम, उसी समय हम लूप से क्या हो जाएंगे बाहर। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सर 10 20 30 में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है तुम्हारा 30, अब एक एक से बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कंपेरिजन क्या होगा इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कंपेरिजन क्या होगा इंक्रीज होगा, जिससे प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इंक्रीज होगा बढ़ जाएगा। तो तुम लोग सोचो कि क्या जो हम 11 से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं लूप को, क्या और कुछ वहां पर मेथड्स हम यूज कर सकते हैं जो 1 से ज्यादा वैल्यू से हर बार इंक्रीज हो या मल्टीप्लाई हो, सोच कर आप बताइएगा, तब तक मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करो, क्लियर, एक मिनट, इसको आप यहां पे, अब मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, कंट्रोल सी। अब यहां पे आप आ जाइए कंट्रोल वी, अब मैंने फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम राइट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आपको एलसीएम वेरिएबल लेना होगा, एलसीएम मैंने वेरिएबल ले लिया और इसमें ग्रेटेस्ट, ग्रेटर, ग्रेटर यहां पे ग्रेटर, ठीक है, अब यहां पर एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, अब फिर यहां पे बी ग्रेटर देन सी राइट, फिर यहां पर एलसीएम, एलसीएम राइट, फिर यहां पर एलसीएम, एलसीएम ग्रेटेस्ट, तो आपका निकल गया। अब बताओ तो यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करेंगे, कौन बताएंगे ये मोड एच सी एफ के जगह पर क्या होगा, बताइए, कोई भी बताइए क्या करेंगे, किससे किसको डिवाइड करेंगे, बोलो जल्दी, अरे एलसीएम को ए से डिवाइड करेंगे, यहां पे एलसीएम और यहां पर ए, फिर यहां पे आ जाओ एलसीएम, एलसीएम और यहां पर क्या है बी, बी, ठीक है, फिर यहां पर एलसीएम, एलसीएम, फिर यहां पे सी से डिवाइड करेंगे, सी से डिवाइड कर दिया और क्या होगा एलसीएम को 1 से क्या करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम प्लस 1, क्लियर, और रिटर्न किसका वैल्यू करेगा एलसीएम का वैल्यू रिटर्न करेगा। प्रोग्राम हमारा रेडी है, ठीक है, अब इस फंक्शन को, हाँ बोलो, प्लस 1 करेंगे या मल्टीप्लाई 1 करेंगे, मल्टीप्लाई 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या जी, किसी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं 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 समझ सर, ये दूसरा चीज सोचो, यस सर, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, इसको कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहां पर एलसीएम, एलसीएम और कॉल कर दिया मैंने फाइंड एलसीएम, चलो जो वैल्यू सप्लाई है, तो यहां पर 8 12 24 48 होगा सर एलसीएम उसका, अच्छा सर वही रहने देते हैं, तो क्या था यहाँ पर 16, यस सर 16, ठीक है, अब रन कराइए, देखिए 48 आ रहा है कि नहीं, आ गया 48, यस सर, चलिए यही फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, यही सब रूटीन का कॉन्सेप्ट है,
अब आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एनोटेशन मैंने इरेज किया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फाइंड एचसीएफ से। स्क्रॉल करें, ये रहा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं